पूरे इतिहास में भारत की छवि काफी बदलती रही है और हर बदलाव के दौरान इस देश को बांधे रखा है संस्कृति और संतों के विचारों ने। संतों की भूमि कहे जाने वाले इस देश में हजारों सालों की संत परंपरा रही है, जिन्होंने हमेशा अपने आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को संगठित करके रखा है। सन 1915 में भारत में ऐसे ही एक संत श्री मगराज जी ने जन्म लिया, जिन्होंने अध्यात्म और उसके आचरण की परिभाषा ही बदल दी और आम समाज को एक नई दृष्टि दी। जन्म से ही दृष्टिहीन होते हुए भी संत श्री मगराज जी ने कभी अपने आप को सीमित नहीं रखा और वो कर दिखाया जो सर्वसामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। सूर्य नगरी जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी, भारत के राजस्थान राज्य का दूसरा बड़ा शहर। ये शहर सदियों से भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण शहर रहा है। संत श्री मगराज जी जोधपुर और जोधपुर जिले के अन्य सैकड़ों गांवों में रहने वाले लोगों के सालों से श्रद्धा स्थान रहे हैं, जो श्री सूरबाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अपनी कर्मभूमि जोधपुर के चौपासनी इलाके में रहने वाले बाबा सूरदास की जीवनी बड़ी ही संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायी रही है, जिसका वर्णन वो अपने शब्दों में कुछ इस तरह करते हैं। मेरा जन्म राजस्थान में बाड़मेर के पास एक विशाला नाम का छोटा गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जामनगर में मदन मोहन जी की बड़ी हवेली है, वहाँ सेवा पूजा करते थे। तो जब मैं एक साल का हुआ, उस समय मेरे माता पिता मेरे को जामनगर ले गए और जामनगर में मैं जब तक 12 साल का हुआ, 12 साल तक मैं जामनगर में रहा। 12 साल का हुआ तब तक मैंने संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत का अध्ययन जामनगर में पाठशाला थी और शास्त्री जी का नाम त्रिम्बक राम जी था। त्रिम्बक राम जी के पास मैंने संस्कृत का अध्ययन किया और उनकी इच्छा से मैंने काशी विश्वविद्यालय में प्रथमा की परीक्षा दी। प्रथमा की परीक्षा में जब मैं उत्तीर्ण हुआ, उस समय उसके बाद उन्होंने शास्त्री जी ने कहा कि भाई अब आगे तुम्हारी इच्छा हो तो पढ़ो और इच्छा जो अगर नहीं हो तो आगे दूसरा कोई अध्ययन करो। हाँ, तो जामनगर में मैं कृष्णदास जी, जिनका नाम था, वे भी नेत्रहीन थे और कन्याशाला में वे संगीत सिखाने के लिए जाते थे, उन कृष्णदास जी से मैं कभी कभी जामनगर में मिला करता था। उन्होंने मेरे को सलाह दी कि भाई आगे कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो तुम ये भावनगर चले जाओ, अंधशाला, वहाँ अंधशाला है, नेत्रहीनों का स्कूल है, वहाँ जो भी विद्या सीखोगे वहाँ तुमको बताई जाएगी। तो उनकी सलाह जो है मैं भावनगर चला गया। संगीत शास्त्री कृष्णदास जी की सलाह पर बाबा सूरदास अपनी अगली शिक्षा के लिए 12 साल की आयु में भावनगर चले गए और वहां के गुरु
श्री नटवरलाल जी को मिलकर बाबा ने अपनी अगली शिक्षा के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की। मैंने अपनी इच्छा उनके सामने व्यक्त की कि मैं एक तो संगीत सीखना चाहता हूँ और एक ये ब्रेल लिपि है ये सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को संगीत भी शुरू करा दिया और ब्रेल लिपि भी शुरू करा दी। ब्रेल के अभ्यास के बाद बाबा ने ब्रेल भाषा में लिखे सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन कर अपने जीवन का नया पर्व शुरू किया। ये वो दौर था जब देश में ब्रेल की शिक्षा देने वाले स्कूल काफी कम हुआ करते थे और धीरे धीरे कुछ किताबों का ब्रेल भाषा में पुनर्निर्माण होने लगा था, लेकिन वो किताबें आसानी से नेत्रहीन समाज के लिए उपलब्ध नहीं होती थीं। मगर इस समस्या को काफी हद तक बदलने की कोशिश की है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जैसी संस्थाओं ने। शुरू से ही कुछ न कुछ धार्मिक साहित्य ब्रेल में दृष्टिहीनों के लिए उपलब्ध हो रहा था, लेकिन वो छोटी छोटी किताबें रहा करती थी। सार्थ राम रक्षा है, हनुमान चालीसा है, या फिर बाइबल संबंधी बहुत सारी किताबें हैं, या फिर कुछ आरती संग्रह है। ऐसी छोटी मोटी किताबें ब्रेल में छपती थी और लोग उसका लाभ उठाते थे। लेकिन जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण है या महाभारत है या श्रीमद् भागवत है या मराठी में ज्ञानेश्वरी है, तुकाराम गाथा है, ऐसे जो बड़े ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ हैं, ये ब्रेल में उपलब्ध हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको ब्रेल में निर्मित करने में काफ़ी लागत लगती थी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता था और इसका खर्च बहुत होता था, तो ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कि जब मगराजी भारत में ब्रेल पढ़ रहे थे, उस समय भारत में ब्रेल की कोई एक रूपता नहीं थी। जितने कुछ जगहों पे, बहुत ही कम जगहों पे स्कूल थे, जैसे मुंबई, कोलकाता, रांची, वाराणसी आदि बड़े बड़े जो हमारे नगर हैं, वहाँ पर ही ब्रेल की पढ़ाई होती थी, और वो भी जो मुंबई में ब्रेल पढ़ाई जाती थी वो कोलकाता में नहीं पढ़ाई जाती थी। इसमें एकरूपता लगभग 1955 के बाद आई है, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय उन्होंने किस तरह से कितना स्ट्रगल करके इतनी विद्वता हासिल की होगी। आपको बताएं कि सामान्य पाठ्य पुस्तकें तो मिलती ही नहीं थी ब्रेल में, इतना अभाव था कि अध्यापक उनको पन्ने पर एक पेज दो पेज लिख के देते थे, और वो भी प्रेलर का अभाव था, स्लेट पे लिखना पड़ता था। तो एक संघर्षपूर्ण शिक्षण था, और उस संघर्ष को आगे जब उन्होंने खुद उस संघर्ष का सामुख्य किया, और इतने संघर्ष झेलने के बाद भी जो भारतीय साहित्य है, संस्कृति है, धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, वेदांत हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इस सब का ज्ञान अर्जित करना कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये आप समझ सकते हैं। और हमें बहुत खुशी हुई जब मगराज जी से हमारी मुलाकात करीब 4-5 साल पहले हुई थी। वो हमारे यहाँ आए थे हमारे कार्यालय में, और वो चाहते थे कि भगवद गीता जो है वो अन्वय और शब्दार्थ सहित ब्रेल में छापी जाए। हम सोच में पड़ गए कि कौन इसको पढ़ेगा और क्यों ये प्रकाशित किया जा रहा है। लेकिन जब इस विषय पर उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने जो लॉजिक दिए, जो तर्क दिए, तो हमें लगा कि नहीं, एक असली नेतृत्व जिसे हम बोलते हैं वो इनमें विद्यमान है, और ये वो ये नहीं चाहते कि जो ज्ञान हमने अर्जित किया है वो हमारे तक रहे। वो चाहते हैं कि उसका प्रवाह हमारी अगली पीढ़ी तक जाए और वो उससे लाभान्वित हो। उन्होंने अपने व्यय पर, अपने सहयोग से उस पुस्तक का ब्रेलीकरण कराया, और आज उससे हजारों की संख्या में बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उस समय तक ऐसी किताब ब्रेल में उपलब्ध नहीं थी, और उन्होंने पहल की, उन्होंने कहा कि
जितना खर्च हो उसे मैं वहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इसको ब्रेल में छापिए और मुझे सिर्फ एक प्रत आप इसकी दीजिए। तो हमने उनसे काफ़ी उस समय हमारी चर्चा हुई और हम बहुत इम्प्रेस हुए थे कि उनकी उम्र उस समय करीब 95-96 साल की रही होगी, और हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए कि इस उम्र में भी वो इतने उत्साही थे और इतना मेंटली अलर्ट थे, और उनकी भाषा पर पकड़ जो थी, संस्कृत पर जो उनकी पकड़ थी, धर्म के बारे में उनका जो ज्ञान था, धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो उनका ज्ञान था, उससे हम लोग उस समय भी बहुत प्रभावित हुए थे। और बार बार उन्होंने हमसे ये कहा कि आपको जितना भी खर्च आए आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये भगवद गीता जो है ये मुझे ब्रेल में चाहिए। तो फिर उसके बाद में करीब 4-6 महीने का समय लगा होगा, और उसके बाद में वो किताब भगवद गीता शब्दार्थ और अन्वय सहित हमने उनको ब्रेल में 4 भागों में हमने करके उनको दी, और उस समय तो करीब मेरे ख्याल से 25,000-30,000 रुपये खर्च हुए होंगे। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि एक बार उसकी मास्टर कॉपी हमने छाप दी तो उसके बाद में जिन लोगों को ये भगवद गीता लेनी थी उनके लिए वो करीब 300-400 रुपये की बात हो गई। तो मगराज जी ने 25,000 रुपये का खर्च जो है वो उठाया, लेकिन उसके बाद दृष्टिहीन व्यक्तियों को यही भगवद गीता 300-400 रुपये में हम लोग उपलब्ध करा सके, क्योंकि मगराज जी ने जो पहल की थी उसकी वजह से हमने उसकी मास्टर कॉपी तैयार कर ली थी। आज भी सैकड़ों दृष्टिहीन व्यक्ति भगवद गीता मंगवाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, और कई लोगों से हमें ये फीडबैक मिला है कि ये बहुत अच्छी किताब है, इससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ भगवद गीता का पाठ करना चाहते हैं, 2-4 श्लोक याद करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये ब्रेल में छपने की वजह से काफ़ी उनको इसका फ़ायदा हुआ है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से सबसे बड़ी किताब श्रीमद् भगवद गीता का ब्रेल में पुनः निर्माण, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। इस काम के लिए सूरदास बाबा जी को दुनिया भर से सराहा गया। उसके बाद मेरा विचार हुआ कि श्रीमद् भागवत जी जो है ये सुधा सागर, हिंदी में तो मेरे पास है सुधा सागर सुख सागर, परंतु संस्कृत में नहीं है। तो मेरा विचार हुआ कि श्रीमद् भागवत जी संस्कृत में छपवा ली। फिर से एक बार मगराज जी हमारे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है वो सिर्फ संस्कृत में, वो ब्रेल में छपवाना चाहते हैं। देखिए भगवद गीता की तो बात और थी, भगवद गीता में करीब 700 श्लोक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ये बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, इसमें करीब 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में सम्मिलित है। तो इतना बड़ा ग्रंथ ब्रेल में हम कैसे करें, और इसमें तो हमने उनको कहा कि ये हम कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन हो सकता है इसमें 1-2 वर्ष लग जाए। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एक 96-97 साल का व्यक्ति ये कह रहा हो कि 1 वर्ष लगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको करिए और मैं इसे करना चाहता हूँ, मैं एक प्रत इसकी ब्रेल में छपवाना चाहता हूँ। जो भी, फिर से उन्होंने कहा कि जो भी खर्च हो आप चिंता मत करिए। तो उस समय हमने ये चैलेंज स्वीकार किया, और आम तौर पे ब्रेल किताबों की जो डेटा एंट्री करनी पड़ती है उसी मार्ग से यदि हम जाते तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट के लिए करीब 2 साल लग जाते, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने देखा कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, क्योंकि वो तो मगराज जी इसमें कोई कमेंट्री या कोई इस पर अर्थ वगैरह तो चाहते नहीं थे, वो सिर्फ संस्कृत श्लोक चाहते थे, सिर्फ जो 18,000 श्लोक हैं वही चाहते थे। तो हमने देखा कि नेट पे वो उपलब्ध था, और नेट पे ये यूनिकोड फॉन्ट में उपलब्ध था। तो यूनिकोड फॉन्ट में उपलब्ध होने की वजह से हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके ज़रिए हम इसको ब्रेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि मैनुअल डेटा एंट्री इसकी करनी नहीं पड़ती है। तो डेटा एंट्री और प्रूफ रीडिंग का काम न करने की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट हम करीब 6 महीने में ख़त्म कर सके। इसको नेट से इसको डाउनलोड करके थोड़ा बहुत इसको एडिट करना पड़ता था, अदरवाइज इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस पर भी करीब 65,000-70,000 रुपये खर्च हुए, वो भी
गुरुजी ने दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये भी ग्रंथ हमें ब्रेल में करके उपलब्ध कराया है। तो ये करीब ब्रेल में 14 भागों में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है ये हमने तैयार करके मगराजी को एक कॉपी इसकी दी। और उसके बाद में भी भगवत गीता की ही तरह ये जो किताब है ये करीब 4-5 हज़ार रुपये में हम सभी लोगों को ये उपलब्ध करा सकते हैं, करा रहे हैं। और मूल रूप से जो श्रीमद् भागवत ब्रेल में उन्होंने छपाई थी ये इसके पहले कभी भी ब्रेल में छपी नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से मैं और नैब हम बहुत ही खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसे एक व्यक्ति मगराजी जैसे व्यक्ति से हमारा परिचय हुआ और हमें उनका जो ज्ञान है, उनका ब्रेल संबंधी का जो ज्ञान है, उनका संस्कृत का जो ज्ञान है और उनका जो उत्साह है। 100 साल की उम्र में भी वो कहते हैं कि कितना भी समय लगे कोई हर्ज नहीं, आप इसको ब्रेल में करिए। ये जो उत्साह है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आत्मविश्वास है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारा मैं मगराजी को शत शत प्रणाम करता हूँ कि ऐसा एक आध्यात्मिक, एक विद्वान, एक ज्ञानी व्यक्ति हमारे बीच है और उनसे संपर्क हमारा हुआ और उनके उनके समीप आने का थोड़ा सा अवसर हमें मिला, इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हमने अपने मानस पटल पे जो उनकी एक व्यक्तित्व का जो एक छाप मेरे मानस पटल पे उनका हुआ है, उस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि वो एक संत नहीं है। खाली संत बोल देना पर्याप्त नहीं होगा, हमने महसूस किया कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। एक दिन मैं ऐसे ही बाबा जी से बात कर रहा था तो मैंने बोला, बाबा जी आपने ब्रेल में काफ़ी कुछ लिखा है, आपने कोई किताबें भी लिखी हैं क्या? तो बाबा जी ने मुस्कुरा के बोला, हाँ मैंने कुछ 20 किताबें लिखी हैं। मैं हैरान हो गया। मैंने उनको पूछा कौन कौन से विषय पे आपने लिखी हैं? तो उन्होंने कहा, एक तो मैंने ज्योतिष विज्ञान पे लिखा है और एक शास्त्रीय संगीत पर लिखा है। अब ये दोनों ही विषय मेरे लिए एक आश्चर्यजनक रूप में प्रकट हुए कि मैं नहीं जानता था कि शास्त्रीय संगीत के बारे में भी बाबा जानते हैं। तो थोड़ा और उनको पूछा तो और पता चला कि उनका कितना गहरा ज्ञान है शास्त्रीय संगीत पर और ज्योतिष पर। फिर इसी प्रकार मैंने उनको पूछा कि बाबा मैंने सुना है कि आपको गीता कंठस्थ है। तो बाबा जी हंसने लगे, बोलते हाँ मुझे गीता पूरी कंठस्थ है। तो मैंने उनको पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं आपने कंठस्थ कब करी और कैसे करी? तो उन्होंने कहा कि काफ़ी पहले जब वो छोटे थे, नेत्रहीन थे, बचपन से ही जैसे थे, उनको एक गुरुजी मिले जो उनको रोज़ बोलते थे कि आप पाठशाला में आओ और मैं 10 गीता के श्लोक आपको बताऊंगा संस्कृत में, वो आपको याद करके आने हैं। हर रोज बाबा जी जाते थे, 10 श्लोक कंठस्थ करके उनको सुनाते थे, फिर उनके गुरुजी और 10 श्लोक उनको देते थे, बताते थे, वो फिर जाते थे घर, फिर कंठस्थ करके अगले दिन आते थे, अपने गुरुजी को बताते थे। इस तरीके से उनको पूरी की पूरी गीता कंठस्थ है। और ऐसे ही बाकी के जितने भी शास्त्र हैं वो सारे ही बाबा जी को कंठस्थ हैं। जामनगर में मदन मोहन जी की बड़ी हवेली में कई साल सेवा देने के बाद सूर बाबा के पिता श्री भगवान दास जी सूर बाबा को लेकर जोधपुर के चौपासनी इलाके में आकर बस गए। बारह साल तक जामनगर में मदन मोहन जी के बड़ी हवेली में सेवा की। उसके बाद यहाँ चौपासनी चले आए और चौपासनी में श्याम मनोहर जी के मंदिर में उनको सेवा मिली और सेवा में
उनकी नियुक्ति हुई है। तो यहाँ के जो चौपाशनी के श्याम मनोहर जी ठाकुर जी बिराजते हैं, और ये जो सूर कवि हुए हैं जिन्होंने 125,000 पद बनाए हैं, और ये ब्रजभाषा के कवि थे, इसलिए सूरदास जी को पदवी दी गई है कि सूर्य सूर सूर्य और तुलसी छठी, ये दो पदवियाँ दी गई है। तुलसीदास जी को चंद्रमा की पदवी दी है और सूरदास जी को सूर्य की पदवी दी है। तो उनके पद जो होते थे मंदिर में, वो पद मैंने कुछ सीखे, और मैंने यहाँ चौपाशनी में आ करके, और चौपाशनी के जो मंदिर के अधिपति थे गोस्वामी जी वृद्धभूषण लाल जी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चौपाशनी में मंदिर में तू रह जा, तेरी ज़रूरत है। तो पहले उन्होंने मेरे को, ठाकुर जी के पंखा चलता था, उस पंखा की सेवा में मेरे को नियुक्त किया। ये पंखा की सेवा मैंने 2 साल तक की। 2 साल में मैंने एक हमारे गुरु जी थे लाड जी नाम था उनका, उनके पास मैंने मृदंग सीखा, मृदंग बजाना सीख गया मैं। तो यहाँ के जो अधिपति वृद्धभूषण लाल जी थे, उन्होंने मेरे को कहा कि मृदंग की सेवा तुमको करनी है। तो मृदंग की सेवा करने में मेरी नियुक्ति हुई, और मृदंग की सेवा और कीर्तन की सेवा, कीर्तन भी उन्होंने मेरे को सिखाया। तो कीर्तन की सेवा और मृदंग की सेवा मैंने 50 साल तक इस मंदिर में की। बचपन से ही संगीत के साधक रहे सूरदास बाबा जी को अपनी मधुर आवाज भगवान की देन है। वे अपने भजन से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उन्हें सूरदास की उपाधि दी गई। संगीत की साधना करते करते बाबा सूरदास जी की अपनी भजन मंडली बन गई, और उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में और आकाशवाणी जोधपुर पे कई ऐसे कार्यक्रम दिए जो अभी तक लोगों की याद में है। शास्त्रीय गायक पंडित राधा कृष्ण थानवी जी ने अपनी संगीत की शिक्षा सूर बाबा से ली है, और वे आज भी बाबा जी के पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। रागों के अलग अलग नाम हैं, और उसी राग में जो स्वर प्रणाली है, जो ताल प्रणाली है, जो लय है, संगीत में 3 चीज है, स्वर ताल और लय। तो ये तीनों तरह से कीर्तन हवेली संगीत गाया जाता है। और हवेली संगीत की क्या विशेषता है? हवेली संगीत की यही विशेषता है कि जैसा भगवान के श्रृंगार होता है, जैसा श्रृंगार होता है तो श्रृंगार के कीर्तन गाए जाते हैं। जैसे भगवान के भोग लगता है तो भोग लगने के कीर्तन गाए जाते हैं। जैसे जैसे भगवान का जो समय होता है उस समय के अनुसार कीर्तन गाए जाते हैं। तो मतलब अष्टयाम सेवा में सुबह से लगाकर शाम तक अष्टयाम सेवा में केवल कीर्तन ही होते हैं, और कीर्तन के द्वारा ही सेवा होती है। जैसे वेदों में मंत्र होते हैं ऐसे ही कीर्तन हैं। तो ये कीर्तन जितने भी हैं, ये अष्ट सखाओं ने जो गाया है, ये कीर्तन गाए हैं, वही पुष्टि अपने वल्लभ संप्रदाय में गाए जाते हैं, दूसरे भजन नहीं गाए जाते। बाबा जी की भतीजी शुरू के कई दिन बाबा जी के साथ रही। उन दिनों उनका अनुभव वो बताती हैं, जिसे सामान्य शब्दों में चमत्कारिक कहा जा सकता है। कि हम लोग पास में ही रहते थे। एक दिन रात के 2:30 बजे की बात है कि कीर्तन हो रहे हैं, हारमोनियम बज रहे हैं, बाबा गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, मतलब भजन नहीं कीर्तन, जो हवेली संगीत होता है ना उसे कीर्तन बोलते हैं। तो कीर्तन गा रहे हैं,
और कोई तबला बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, और बीच बीच में अरे वाह 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 ऐसे कह रहे हैं। हम भी पड़ोस में रहते थे तो मैंने कहा ये कौन है, बाबा ने आज मुझसे बताया नहीं कि सत्संग है, तो मैं भी जाती, इनके भजन में सुनती हूँ अक्सर। फिर मैं दरवाजा खोल के बाहर आई तो देखा कि इनका दरवाजा तो बंद है। सुबह मैं आई, खास ताज्जुब की बात ये है कि मेरे को तब एकदम सा रोमांच और ऐसा हुआ कि एकदम सा वाह बाबा तो वास्तव में आत्म साक्षात्कार है, श्याम बाबा खुद आए होंगे। तो ये पास में रहती थी सुबह आई, मैंने कहा काका जी रात को आपने मुझे बुलाया नहीं, सत्संग था, इतने बढ़िया भजन गाए। तो हंसने लगे, तो मैंने कहा कल कौन आया था आपके यहाँ, तो दो ही जने थे क्या, ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे मेरे को आवाज में। तो क्या हाँ दो ही थे, कौन थे काका जी, तो के वो थे ऐसा करके तो मेरे को बताया नहीं, लेकिन मैं समझ गई क्योंकि खास बात यह है कि सुबह आई तो हारमोनियम पड़ा था इस हाल में सामने वाले, और तबले भी पड़े हुए हैं, और फिर मेरे से कहा कि इसको अपनी ओरा में रखना है। तो मैंने कहा कोई आया तो जरूर था, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि महान पुरुष और भगवान साक्षात्कार श्याम बाबा का है। एक बार हमारे घर में सत्संग किया बाबा जी ने, और हमारी भजन मंडली सत्संग मंडली पूरी आई हुई थी, तो बाबा जी ने जो शब्द बोले और ऐसा गीत गाया कि सारी मंडली मंत्रमुग्ध हो गई, सबके अंदर रोमांच पैदा हो गया, झूमने सी लगी। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो उसके बाद बाबा जी से पूछा, आज बाबा जी बहुत ही आनंद आया। तब बाबा जी ने बताया कि आज आपके घर में भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की, और ऐसा लगा कि बाबा जी पूरा देखते रहे और हम लोग सिर्फ सुनते ही रह गए। बाबा जी इतने दिव्य दृष्टि बाबा के पास। संगीत, अध्यात्म और मानव सेवा के क्षेत्र में सूर बाबा के अतुलनीय काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान विकलांग समिति, वर्ल्ड एल्डर डे जोधपुर, आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर, वरिष्ठ नागरी सेवा संस्थान जोधपुर, रिस्पेक्ट इंडिया, सांची हर ब्राह्मण समाज जोधपुर, भंडारी धनार्जुन सेवा मिशन से लेकर राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तक कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अभ्यासु स्वभाव के सूर बाबा जी ने अपने जीवन काल में हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी हजारों किताबें उनके संग्रह में हैं। इस संग्रह में धार्मिक विषयों के पुस्तकों से लेकर संगीत विषयक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, जिनमें से कई पुस्तकें सूर बाबा को कंठस्थ हैं। मेरे पास पुस्तकें काफी है, 3 अलमारियां भरी हुई है, एक बड़ा ट्रक है वो भरा हुआ है, मैं ब्रेल लिपि की पुस्तकें दिल्ली से मंगवाता हूँ, मुंबई से मंगवाता हूँ, देहरादून से मंगवाता हूँ, जो मैं सूची पत्र मंगवाता हूँ, जो सूची में मेरे को जो पुस्तक पसंद आती है वो पुस्तक में मंगवा लेता हूँ। अब मेरे दोनों भतीजे यहाँ रहते हैं, उनको मैंने एक दफ़े पूछा कि भाई मेरे ये जो ब्रेल की पुस्तकें हैं इसका मेरे बाद में इसका क्या उपयोग करोगे, उन्होंने कहा कि भाई जो आप कहो सो ही कर दें हम। मैंने ये कहा उनसे कि ये लाइब्रेरियाँ हैं, ब्रेल पुस्तकों की लाइब्रेरी जैसे मुंबई में है, देहरादून में है, दिल्ली में है, ऐसी ऐसी जगह पर बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, उन लाइब्रेरियों में ये अपनी जो पुस्तकें हैं ब्रेल की ये पुस्तकें भेज देना, ताकि इन पुस्तकों का उपयोग होता रहे, जिन नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि का शौक है वे ये पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मैंने अंतिम निर्णय उनको यही दिया है कि ये ब्रेल लिपि की पुस्तकें, ब्रेल लिपि की जो पुस्तकें हैं ये मेरे बाद में
लाइब्रेरियों में भेज देना, क्योंकि दूसरे कोई इसको पढ़ नहीं सकेंगे। सूर बाबा के व्यक्तित्व के अनेक ऐसे पहलू हैं जो उन्हें असाधारण व्यक्ति होने का आभास देते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी विद्वत्ता के अलावा संगीत, नाड़ी परीक्षण, ज्योतिर्विद्या और पंचांग में भी प्रगाढ़ ज्ञान रखने वाले बहुत कम संतों में से वो एक संत हैं। रोज आने वाले भक्तों में कई ऐसे भक्त होते हैं जो अपनी शारीरिक समस्या लेकर आते हैं और बाबा उन्हें नाड़ी परीक्षण से उपचार बताते हैं। उनके उपचार से लाभी भक्तों की संख्या काफी बड़ी है। ऐसे ही सैकड़ों भक्त में से एक महिला भक्त बाबा के पास एक दिन आई, जहां मैं बैठा हुआ था दूसरे भक्तजनों के साथ में। उस महिला ने बाबा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते वक्त बाबा जी ने उस महिला का हाथ पकड़ लिया और बाबा जी ने उस महिला से पूछा, भाई आपकी तबीयत कैसी है? तो महिला ने आश्चर्य में आकर बाबा जी की तरफ देखा और कहा कि बाबा जी तबीयत तो थोड़ा ख़राब है। बाबा जी ने उस महिला की नब्ज़ पकड़ी और कहा कि आपकी तबीयत थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आपको तो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है। हम सब हैरान हो गए, सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब ये ना तो मेरे समझ में आया, ना जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे उनके समझ में आया कि ये कैसे कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान किसी की नब्ज़ पकड़ के सिर्फ कैसे बता सकता है कि उसको डायबिटीज़ है। अब ये तो बाबा ही जाने कि ये उनकी सिद्धि प्राप्ति का ज्ञान है कि क्या है, उनका ये क्या रूप है जिसके वजह से ये सब जान पाते हैं। और ऐसे ही कई किस्से हैं जिससे लोग प्रभावित होके बाबा के पास में आते हैं। मेरी धर्मपत्नी, जब मैं बीकानेर में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में था, जब मेरी धर्मपत्नी के एक एक्सीडेंट हुआ और उनको एक अंग्रेजी में एक मेडिसिन, एक बीमारी है इसको क्वाड्रोप्लीजिया कहते हैं, वो हो चुका था कंप्लीट क्वाड्रोप्लीजिया। मेरे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये लेडी कभी खड़ी नहीं होगी, इसके हाथ पांव कभी काम नहीं करेंगे, और आप इसके साथ में कौन है, इसको ले जाइए यहाँ से। लेटी लेटी अवस्था में मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज देने लग गए हॉस्पिटल से। मैंने बाप जी से उस समय संपर्क, 2003 की बात है ये, जब मैंने बाप जी से संपर्क साधा और निवेदन किया, मैंने कहा प्रभु ये तो ऐसा हो गया, ऐसा जवाब मिला है, भगवान की बाप जी की कृपा से। मेरे को बाप जी ने कहा धैर्य रखना, हिम्मत नहीं हारना, कुछ नहीं होगा, ये खड़ी भी होगी, ये सब कुछ होगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आज का दिन है, वही मेरी धर्मपत्नी बाप जी के आश्रम में आती है, बाप जी की जैसी बन पड़ती है सेवा करती है और आराम से अपना काम कर रही है। तो ये सब मैं बाप जी की कृपा ही मानता हूँ और बाप जी की कृपा से ही हुआ है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। हिंदू संस्कृति में प्राचीन काल से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में गुरु पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व होता है। ये वो दिन है जिस दिन शिष्य अपने गुरु को नमन करने के लिए और दीक्षा लेने के लिए आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से भक्तों का आना शुरू हो जाता है। इस दिन जोधपुर और आस पड़ोस के कई गांवों से सूर बाबा के भक्त इस कार्यक्रम के लिए आते हैं। सूरदास बाबा के आश्रम में ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसका संपूर्ण आयोजन बाबा जी स्वयं और उनके कुछ अनुयायी करते हैं। कुछ लोग दीक्षा लेते हैं। भक्तों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। दोपहर होने तक भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है और ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है। आश्रम के एक हिस्से में महिलाएं भजन गाती रहती हैं। अलग अलग शहरों से और देहात से बाबा जी के कई भक्तों का जमावड़ा गुरु पूर्णिमा के दिन उनके आश्रम में उमड़ पड़ता है।
और रात भर जागरण चलता है, जिसमें आस पड़ोस के गांव से भजन मंडली जमा होकर भजन के सुर छेड़ती है। और इस कार्यक्रम का समापन अगले दिन सुबह बाबा जी के भजन से होता है। हिंदू संस्कृति में पंचांग का विशेष महत्व है। तिथि, वार, नक्षत्र, योगा और करणा, जो समय के पांच विशेष अंग हैं। पंचांग के कुछ पन्ने हर साल बदलते हैं, जो ग्रहों की स्थिति पर निर्भर होते हैं, इसलिए पंचांग हर साल नई बनती है। लेकिन सूर्य बाबा को किसी भी पंचांग के बारे में कोई भी चीज कंठस्थ है और वे आगे की पंचांग के बारे में भी जानते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो बाबा सूरदास के बारे में असाधारण लगती हैं। ये एक ऐसे संत हैं जिन्हें रामचरितमानस जैसे ग्रंथ ही पूरी तरह से कंठस्थ है। भागवत पूरी तरह से कंठस्थ है। गीता के श्लोकों को निर्बाध अबाध गति से शुद्ध उच्चारण के साथ धारा प्रवाह बोल सकते हैं। हमारे पूरे पुराणों की अभिकल्पना उनके पास है और उन पुराणों के अंदर जो विज्ञान है उस पर पूरे साधिकार प्रवचन नहीं शिक्षण दे सकते। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि एक पंचांग होती है, एक किताब जिसमें सारे ग्रहों नक्षत्रों की जानकारी होती है, जिसके हिसाब से सारे पंडित लोग अलग अलग त्योहार, शादी, ब्याह वगैरह के मुहूर्त उसमें से देख के पढ़ते हैं, बताते हैं। और ये पंचांग हर साल नई बनती है। जिनको पंचांग के बारे में मालूम है शायद वो जानते हैं इस बात को। बाबा जी हैं नेत्रहीन, अगर पंचांग हर साल बनती है, हर साल छपती है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो हर साल बदलती है, लेकिन आप बाबा जी के पास में कभी भी जाएं, किसी भी साल जाएं, किसी भी महीने जाएं, वो आपसे कहेंगे, अगर आप उनको किसी त्यौहार के बारे में पूछते हैं या किसी मुहूर्त के बारे में पूछते हैं, तो आपको कहेंगे कि मेरी अलमारी में पंचांग रखी हुई है, आप उठा के ले आओ। और ये पंचांग ब्रेल में नहीं है, ये साधारण पंचांग है, जिनके पास में नेत्र हैं उनके पढ़ने के लिए, पंडितों के पढ़ने के लिए हैं, वो पंचांग मंगवाते हैं। उस इंसान को बोलते हैं कि फलाना फलाना आप जो पन्ना है उसको पलटो, उसमें ये कॉलम है और ये रो है, ये लाइन है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये बताओ, उसमें देखो ये लिखा होगा। और वो आदमी देख के बाबा जी को बताता है, हाँ भाई उसमें राहु लिखा है या जो भी लिखा है, जैसे भी लिखा है, या बाबा उसको बताते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा होगा, और उसके हिसाब से बाबा उसको समझाते हैं कि भाई आपका जो मुहूर्त है ये है और इस वजह से है और इतने वक्त है और इस तारीख को है, इस महीने को है। अब ये समझ के सबसे परे है कि जब पंचांग हर साल बदलती है, हर साल छपती है, ग्रह हर साल बदलते हैं, मुहूर्त हर साल बदलता है, तो बाबा जी को पंचांग कंठस्थ कैसे है। भगवत गीता कंठस्थ है वो तो समझ में आती है कि चलो एक बार लिखी हुई है, अपने बचपन में उन्होंने कंठस्थ कर ली, लेकिन जो चीज़ हर साल बदलती है वो कैसे बाबा जी को कंठस्थ है, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। बाबा जी के भविष्यवाणी के बारे में आपको बताती हूँ। एक बार हमारे घर में बाबा जी ने एक माता जी का, हमारी जानकार वाली माता जी थी, उनका हाथ देखा और बाबा जी ने बताया कि जो भी माता जी ने पूछा वो उनको बता दिया। फिर बाबा जी ने मुझे बताया कि हाथ बहुत अच्छा है, ऐसा हाथ हमने अभी तक किसी का नहीं देखा। और बाबा जी ने बताया कि ये 100 साल के ऊपर जिएंगी और जब ये जाएंगी तो भगवान श्री कृष्ण इनको लेने के लिए आएंगे। और वही हुआ, जब उन्होंने 106 साल में अपना शरीर छोड़ा तो उनको सुबह
चार बजे बांसुरी सुनाई दी जैसा उनके परिवार वालों ने बताया, और फिर शरीर छोड़ने के बाद मैं बाबा जी के पास पहुंची कि बाबा जी मैं आ गई हूँ। इससे पता चलता है कि बाबा जी या तो कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं या खुद ही भगवान कृष्ण के कोई अंश हैं। सुरदेव स्वामी जी के जीवन में एक कुछ ऐसा हमने अनुभव किया कि वो भविष्य के बड़े ही जानकार हैं। अगर वो चिंतन करें तो भविष्य का बहुत कुछ वो जान सकते हैं। एक बार हम उनके चरणों में आए तो कोई विवाह की लग्न जाननी थी कि भाई ये विवाह किस समय ठीक रहेगा, तो तीन तिथियां थी कि भाई ये रखी जाए या ये रखी जाए या ये रखी जाए। तो उसमें संदेश स्वामी जी ने कहा कि ये भी ठीक है, लेकिन इसमें अगर विवाह किया तो बरसात इतनी होगी कि सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन कुछ कारणों बस उन व्यक्तियों को वही तिथि और डेट रखनी पड़ी, और मैंने देखा उसमें विवाह 12 बजे तक कुछ भी कोई बादल नहीं थे, और जैसे ही 12:30 हुए वो बरसात हुई। तो मैंने भी उनसे कह दिया था इसमें बरसात होगी, तो बताया तो स्वामी जी ने था और नाम मेरा हुआ, और वहां पर पंडित जी ने तो कहा था बिल्कुल सत्य हो गया। तो ऐसे बहुत से हमने अनुभव संदेश स्वामी जी के देखे हैं कि उनको भविष्य का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। अस्तु, अभी आजकल वो एक पंचांग है जो ब्रेल में छपवाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से वो पूरा पंचांग छपवाना चाहते थे, दुर्भाग्यवश उस रूप में उसको ब्रेल में छापना, क्योंकि पंचांग में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो उस रूप में ब्रेल में उसको छापना लगभग नामुमकिन सा हमें लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें उसका कुछ हिस्सा वो ब्रेल में छपवाना चाहते थे, तो वो हम आजकल वो काम हम कर रहे हैं। देखिए, भारत से संस्कृत विलुप्त होती जा रही है, और यदि भारत की आत्मा को ढूंढना है तो संस्कृत साहित्य में डूबना पड़ेगा। गीता के वास्तविक मूल अर्थ को जानना है तो हमें संस्कृत जाननी होगी। इस चीज को जो ही ये बात उनके दिमाग में आई, तुरंत उन्होंने हिंदी संस्कृत कोश, शब्दकोश आधुनिक युग में उसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं, उन्होंने तैयार कराने की दिशा में प्रयत्न शुरू किया, और कम से कम सरल शब्दों में उस संस्कृत के श्लोकों का भाष्य आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके, ताकि उनके चरित्र का निर्माण अपनी संस्कृति के अनुकूल हो। इस दिशा में जो उनकी पहल है, जो उन्होंने पहल की, वो अभिनंदनीय है, उसके लिए ये समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। श्री श्याम बाबा के मंदिर में निरंतर 50 साल सेवा के दौरान बाबा सूरदास आध्यात्मिक रूप से काफी समृद्ध हो गए, और इस बात का एहसास उनके आसपास के लोगों को होने लगा, और धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई, जो आज तक बढ़ रही है। बाबा सूरदास के भक्तों में समाज के हर वर्ग और हर जाति के भक्त आते हैं। पूरे देश में फैले भक्त अपनी तरह तरह की समस्या लेकर सूर बाबा के पास आते हैं। सेहत की समस्या हो या कोई मानसिक तनाव, हर व्यक्ति को बाबा बड़ी सहजता और सरलता से उपाय बताते हैं। काफ़ी पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, थोड़ा नौकरी के कारण थोड़ा परेशान था। तभी मुझे फ़ोन आया, मैंने देखा तो बाबा जी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो बाबा जी ने बोला, अगर आपके पास में पेपर और कलम है तो मैं कुछ कह रहा हूँ उसको आप लिख लो। मैं बोला ठीक है। बाबा जी ने एक संस्कृत में एक दोहा बोला और मैंने लिख लिया। मैंने बाबा जी को पूछा कि बाबा जी इसका मतलब क्या है। बाबा जी हंसने लगे। बाबा जी ने कहा, आप 2-3 बार पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, और फ़ोन काट दिया। सबसे पहली बात तो हैरानी की मुझे ये लगी, मैं बैठा था बम्बई में अपने ऑफिस में, बाबा जी थे जोधपुर में, राजस्थान में। अब उनको ये कैसे पता चला कि मैं बम्बई में बैठ के उनके बारे में सोच रहा था, और ये मदद
मांग रहा था कि भाई बाबा जी इस मुश्किल परेशानी में मेरे लिए कुछ हल निकालो, और उसी वक्त उनका फ़ोन आता है। और एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बाबा जी नेत्रहीन होते हुए कभी खुद फ़ोन नहीं लगाते हैं किसी को, किसी का अगर फ़ोन आ जाए तो फ़ोन उठा लेते हैं। तो उसी समय उनका खुद बढ़कर मेरे पास में फ़ोन आना और फिर मुझे वो दोहा बताना, जिसे जब मैंने पढ़ा दो तीन बार तो मेरे को ये मतलब समझ में आया कि तुम जिसके बारे में सोच रहे हो वो हमेशा तुम्हारे पास में ही है। अब ये तो बिल्कुल हैरान करने की बात है, अचंभे वाली बात है। इसको कौन कैसे साइंस के थ्रू, साइकोलॉजी के थ्रू, या कैसे कोई इसको बता सकता है कि कैसे हो सकता है? मेरे मित्र बख्शी जी की माता जी का जब देहावसान हुआ, मतलब स्वर्गवास होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को एहसास हुआ कि उन्होंने आके मेरे को बोला कि भैया मैं जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को भाई बना रखा था और घर पत्नी को बेटी बना रखा। और बाद में जब मैं बाबा से मिला हूँ, उनसे बात हुई है, तो बाबा ने भी कहा कि मैं इसी समय, उन्होंने मेरे से आके बोला कि मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी एक चीज़ मेरे को बड़ी अजीब सी लगी, मेरे से कहा मैं जा रही हूँ और उनसे कहा बाबा मैं आ रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा एक अलग चीज़ है इस तरह से, क्योंकि उन्होंने मेरे से जब बोला कि मैं जा रही हूँ, मतलब कि संसार छोड़ के जा रहे हैं, हमको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन बाबा को बोला कि नहीं मैं आपके पास आ रहा हूँ, मतलब कि वो एक उन्हें आत्मा ब्रह्म में लीन होने जा रही है, इसलिए उन्होंने कहा बाबा मैं। काफ़ी समय तक थोड़ा सा ये उनका इलाज चला और दवा लेते लेते और वो शांत हो गई। शांत हुई, उसने अपना शरीर छोड़ दिया, तो तीसरे दिन ही उसने मेरे को सपने में आके कहा कि बाबा मैं आ गई हूँ। तो इसके बाद मेरे को महसूस हुआ कि बाबा साधारण भजन कीर्तन वाले या दूसरे इसका क्या नाम मठाधीश की तरह से या मंच पे बैठ के बोलने वाले नहीं, लेकिन मेरे को कुछ एक अजीब सी शक्ति सी महसूस होती है जो कि हमको दिखाई नहीं देती। मेरे घर में एक बार हमने माता के जागरण का विचार किया और बाबा को हमने कहा कि बाबा आप भी आओगे। हमने बाहर मंडप लगाया और रात को वर्षा चालू हो गई, हमने शिफ्ट कर लिया अंदर। बाबा को कहीं सुबह 5 बजे मंदिर जाना था तो थोड़ा कट शॉर्ट करना पूरा प्रोग्राम। हमने कहा बाबा आपको कुछ भी हो हम पहुँचा दे। इतनी भयानक, इतनी घनघोर बारिश हुई थी, हमने कार में, मेरे पास मारुति 800 कार होती थी, हम गए, रास्ते में इतनी वर्षा हुई, बाबा को अनुभव लगा कि बहुत भारी, उन्होंने एक अक्षर यूज़ किया, इतना भारी चक्रवर्ती तूफान में हम निकल के आ गए। ये मुझे नहीं समझा कि हम तो देख रहे थे, पूरा बिना देखे चले गए और इतने पेड़ गिरे हुए थे जब वापस आए, और ना कुछ जाने के टाइम हुआ ना कुछ आने के बाद हुआ। और बाबा जब भी मिलते हैं बोलते हैं नंदा जी वो चक्रवर्ती तूफान में तो कार चलाई तो आपने ही चलाई, ये अक्षर हमेशा यूज़ करते थे। और मैं कहता बाबा आपकी कृपा थी, हम आपको भी ठीक छोड़ा और अपने घर में ठीक छोड़ गए। तो इससे मुझे लगा कि बाबा कोई मामूली इंसान नहीं है, कुछ उनकी आँखें नहीं होते हुए उनके पास अंदरूनी ज्योति है जिससे वो सब चीज़ देख सकते हैं और अपने अनुभव से हाथ लगा के समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि ये ब्रह्म है या इनके पास कोई शक्ति है जो कि पहले से ही भाप जाती है दुर्घटना को और उसका निवारण कर देती है। श्याम मनोहर जी की मुझ पर
इतनी अनुकंपा है कि कई जगह मेरे को बचा लिया है और आफत भी जो आती है उससे भी बचा लिया। शीतकाल का समय था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उस समय मैं बाहर निकल गया, मैंने कहा चलो घूम के आऊँ। तो मैं बाहर निकल गया सो एक जगह बबूल की झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों में मैं फंस गया। अब चारों तरफ देखता हूँ तो बबूल ही बबूल खड़े हैं, कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मैंने ये सोच लिया, मैंने ऐसे कड़ाके की सर्दी में अब तो रात यहीं बितानी है, क्योंकि कहीं बाहर निकलने का चारा ही नहीं है। उस समय भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कोई एक कुत्ता आ गया, और जोर से भौंकने लग गया। तो मैंने कहा कि भाई अब तो भौंकता तो है, लेकिन मैं तो यहाँ चारों तरफ फंसा हुआ हूँ। तो उस समय उसने कोई रास्ता देखा, रास्ता देख करके और मेरे हाथ में जो लाठी थी वो लाठी अपने मुंह में पकड़ ली। मुंह में पकड़ के जो जहाँ श्याम मनोहर जी के मंदिर का दरवाजा था उस दरवाजे पर ला के छोड़ दी वो लकड़ी। वो लाठी छोड़ के कहाँ चला गया ये कोई पता नहीं है। तो ऐसी ऐसी जगह पर भगवान श्याम मनोहर जी की बड़ी मदद रही है और बड़ी कृपा रही है। सन 2015 कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाबा सूरदास ने अपनी आयु के 100 वर्ष पूर्ण किए। इस उत्सव के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कई बड़े बड़े संत और बाबा के भक्त उपस्थित रहे। Yeah.
जीवन के इस पड़ाव पर सूरदास बाबा जी अपने भक्त परिवार और उनकी सेवा में अभी भी उतने ही व्यस्त हैं जितने वे पहले हुआ करते थे। बाबा पर श्रद्धा रखने वाले भक्तों के अलावा संत समाज के लोगों की भी बड़ी संख्या है जो उन्हें अपने गुरु स्थान में देखते हैं। उनका जो जीवन है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप देखेंगे कि तेल की धार जैसे गिरती है उसका कुछ और हवा में वो इधर उधर डुलती है, लेकिन जब शहद की धार करो तो उसको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि उसमें वजन होता है, तेल में वो वजन नहीं होता। ऐसे ही हमने श्रद्धेय स्वामी जी के जो उनकी भक्ति है, उनका जो अध्यात्म है, उनका जो चिंतन है, बिल्कुल शहद की धार की तरह एकदम मजबूत और उसमें लेश मात्र भी कोई कमी नहीं है। उसी दिन से हम स्वामी जी के अध्यात्म को कोट कोट वंदन कर रहे हैं और आज जोधपुर के अंदर जो मुख्य संत है उनमें हम उनको एक स्थान दें। एक रहने की जगह है, उसे आप आश्रम बोलिए, उसे आप मठ बोलिए, उसे आप उनका गुरुकुल बोलिए, लेकिन उस रहने की जगह के आसपास के पूरा क्षेत्र उस आभा मंडप से आप्लावित है। ये उनके विलक्षण व्यक्तित्व का ही प्रभाव है और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि कोई भी विश्व गुरु जहाँ रहता है वह क्षेत्र आभा मंडित रहता ही है। ये उनके विश्वात्मा होने का